योजना है वो देश को समर्पित की जाएगी। तो कई छोटी बड़ी योजनाएं, करोड़ों रुपए की योजना है वो उसका शिलान्यास और आधारशिला रखी जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से ठाणे और मुंबई जाएंगे जहाँ पे की मेट्रो परियोजना है, इसके अलावा कई और सारी जो परियोजना है उसका भी लोकार्पण और शिलान्यास होगा, जिसमें की एयरपोर्ट का टर्मिनल जो है जो वहाँ पे बेसिकली बनाया गया है, नवी मुंबई जो एयरपोर्ट का इंफ्लुएंस नोटिफाइड एरिया है नैना, इसका भी जो है फाउंडेशन स्टोन जो है यानी कि आधारशिला जो है रखी जाएगी। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बृहद कार्यक्रम है महाराष्ट्र में और ये उनका बैक टू बैक कार्यक्रम है। इससे पहले वर्धा में हमने देखा था, वर्धा में कार्यक्रम हुआ था जहां पे जो विश्वकर्मा योजना की पहली सालगिरह मनाई गई थी। इसके बाद पुणे में हमने देखा था जो पहले चरण का मेट्रो था उसका जो आखिरी जो स्वार गेट वाला जो रूट था उसको पूरा किया गया, पहले चरण को पूरा किया गया। वाशिम का आज कार्यक्रम है, आप देखें तो मराठवाड़ा और विदर्भ के दृष्टिकोण से आज का कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण होगा। इस क्षेत्र में खास करके इस तरीके का विकास काफी समय से हुआ है इस सरकार के अंदर, चाहे वो समृद्धि महामार्ग हो, चाहे वो ब्रिजेस का काम हो, चाहे वो नागपुर मेट्रो का काम हो, कई सारे काम जो है वो क्षेत्र में हुए। प्रधानमंत्री का ऐसे समय में यहाँ पे आना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी की जा सकती है। बिल्कुल, और उस नजरिए से भी दिखाई तो काफी अहम प्रधानमंत्री का ये दौरा है, लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के आज एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम, जैसा कि शीतल आपने बताया, लेकिन साथ ही बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे, इसकी क्या खासियत है? देखिए, अगर इस हेरिटेज म्यूजियम की अगर मैं आपको खासियत संक्षिप्त में बताऊं तो ये बेसिकली जो रेप्लिका है, जो आकार है वो अब थोड़ी देर में आप देख लेंगे, बिल्कुल नगाड़ा की शक्ल में बनाया गया है, काफी बड़े आकार का, तो काफी दूर से भी ये चीजें जो है आपको दिख जाएगी क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है। ठीक है, योगेश आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त, और प्रधानमंत्री इस वक्त संत सेवालाल महाराज की समाधि पर पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने दर्शन किए हैं और उस दौरान की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। तो पहले माता रानी के दर्शन किए, उसके बाद में समाधि पर भी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। जी शीतल, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। बता रहा था, तो अंदर में जो म्यूजियम रखा गया है, जो प्रदर्शनी है, जो बेसिकली संग्रहालय है, उसमें जो इस पूरे समुदाय का जिस तरीके से आजादी के पहले से, क्योंकि इनका इतिहास काफी पुराना है, कई इनकी बड़ी आबादी जो है वो पाकिस्तान में भी है, तो जिस तरीके से इनका समय के साथ कालांतर में नियत समय अंतराल के बाद जिस तरीके से समाज बढ़ा, पहले क्या करते थे, धीरे धीरे कैसे आए, तकनीक के दौर में ये कैसे प्रवेश किए, जब औद्योगिकीकरण आया, औद्योगिकरण आया, भारत आजाद हुआ, उस वक्त ये कहां पर थे, किस तरीके से इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, किस तरीके से इन्होंने मुगलों से लोहा लिया, इनका पूरा आप कह सकते हैं कि एक तरीके का वर्णन जो है वो तस्वीर और पुतलों के माध्यम से, जो अलग अलग मूर्तियां हैं उस माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। अगर आप म्यूजियम में जाएंगे तो टोटल जो है 5 फ्लोर है, 5 तल है म्यूजियम के, 2 तल का 1 तल है, जो अंदर में एक डोम का डोम भी बनाया गया है, जो कि अंदर में आप ऑडियो विजुअल प्रदर्शनी के माध्यम से थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर। और इसके अलावा जो है कई सारी चीजें जो है उनके पारंपरिक जो औजार होते थे, जो पारंपरिक संसाधन होते थे, जिस संसाधन के बदौलत वो करते थे, व्यापार का स्वरूप तब कैसा था, आमदनी कैसे होती थी, परिवार कैसे चलता था, सामाजिक परिवेश कैसा था, शैक्षणिक स्थिति उनकी कैसी थी, उनका विकास का पूरा क्रम कैसा था, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, दर्शाया गया है। तो प्रधानमंत्री सबसे पहले निचले तल पर जाएंगे, उसके बाद वो तीसरे और चौथे तल पर जाएंगे। चौथे तल पर जो है एक आप कह सकते हैं जिस तरीके से हम तारामंडल देखते हैं उस तरीके से वहां पे डोम का एक प्रदर्शनी बनाया गया है, जिसमें की सुविधा इस तरीके की, जो कोई व्यक्ति वहां पर बैठ सकता है और वो